नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कमिका एकादशी के बारे में, जो कि बहुत ही ड्रोनॉट और आसमानी जाती है, क्योंकि इसमें किए गए कुछ कार्य आपको इतना लाभ प्रदान कर सकते हैं जो पूरी साल में की एकादशी है आपको गुलाब प्राप्त करवाते हैं। उतनी एकादशी यानी कि जो कामिका एकादशी होती है, वह इस एकादशी के दिन किए गए कुछ उपाय एवं कार्य से आपको हजार गुना यानी कि हजार गोदान के बराबर आपको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा ही देखें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही जानवर था होने वाली है एवं कमिका एकादशी से जुड़ी प्रत्येक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी जानकारी को बताएंगे। साथ में हम आपको कुछ एक ऐसा महा उपाय भी बताएंगे जो आपको कमिका एकादशी के दिन आपको जरूर कर लेना है, इससे आपको हर एक इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी 2024। कामिका एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो जुलाई अगस्त का महीना है, श्रावण मास आषाढ़ के कृष्ण पक्ष अमावस्या के 11वें दिन 31 जुलाई 2024 को आती है कामिका एकादशी पर्व। व्रत या उपवास रखने से भक्त को कई लाभ मिलते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर ही कर दे और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिक तक शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सभी हमारे जो माताएं बहने होती हैं उन्हें श्री माध्यम से मिल जाए। मित्रों, आपको बता दे कि इस विशेष दिन एकादशी को हमारे सभी गलत कामों को मिटाने वाला माना जाता है, जो हमें परम स्वतंत्रता का मौका देता है, जिसे मोक्ष के रूप में जाना जाता है। यह एक आध्यात्मिक रीसेट बटन की तरह है, जहां हम क्षमा मांगते हैं और एक नई शुरुआत और आंतरिक शांति की उम्मीद करते हुए ईश्वर के साथ गहरे संबंध के लिए प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म में कामिका एकादशी पर व्रत रखने से भारत की सभी पवित्र नदियों में पवित्र दिनों पर स्नान करने से भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो भक्त ईमानदारी से कामिका एकादशी व्रत पूरा करता है, उसे भगवान से काशी, हरिद्वार और केदारनाथ जैसे सभी प्रमुख हिंदू पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी पर व्रत करना श्री विष्णु को समर्पित सभी शास्त्रों को पढ़ने जितना ही शक्तिशाली माना जाता है। इस व्रत को रखने का सबसे बड़ा लाभ वैकुंठ प्राप्ति या विष्णु लोक में मोक्ष प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि मृत्यु के देवता यमधर्मराज भक्त की भक्ति में बाधा नहीं डालेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति, ब्राह्मण, गर्भवती महिला या किसी श्रद्धालु और पवित्र महिला की हत्या जैसे भयानक पाप करता है, तो वह कामिका एकादशी के पुण्यों के बारे में जान लेता है तो उसे अपने पापों के लिए क्षमा मिल जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे पाप कर सकता है। यह सोचकर कि वह कामिका एकादशी के बारे में जानने मात्र से ही पाप से मुक्त हो जाएगा, इस मानसिकता के साथ जानबूझकर पाप करना घृणित माना जाता है। सच्ची आस्था के साथ कामिका एकादशी की महिमा के बारे में सुनने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे विष्णुलोक या वैकुंठ की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रावण कृष्ण एकादशी, जिसे कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके आशीर्वाद के विवरण का समापन है। कामिका एकादशी बुधवार 31 जुलाई 2024 को है। पारण का समय प्रातः 5:43 बजे से प्रातः 8:24 बजे तक। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण अपराह्न 3:28 बजे। एकादशी तिथि प्रारंभ सायं 4:44 बजे 30 जुलाई 2024 को। एकादशी तिथि समाप्त 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 बजे। व्रत को एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद तोड़ना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत, पारणा,
को द्वादशी तिथि के भीतर तोड़ना चाहिए। द्वादशी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 बजे समाप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत को हरिवासर के दौरान नहीं तोड़ना चाहिए, जो द्वादशी की चौथी अवधि है। व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल सुबह जल्दी है। भगवान श्रीधर कामिका एकादशी के देवता हैं और श्रीधर भगवान विष्णु के नामों में से एक है, जिन्हें श्री विष्णु की छवि के समान ही दर्शाया गया है। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म हैं। श्रीधर का अर्थ है देवी लक्ष्मी या श्री का पति। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रती को सच्चे मन से व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। श्रीधर विष्णु की पूजा भक्ति भाव से करें। घर पर उन्हें भोग, पुष्प आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के सम्मान में घी का दीपक जलाएं। आध्यात्मिक रूप से उच्च अवस्था में रहें। पूरे दिन विष्णु के मंत्रों और स्तुति का जाप करें, भजन गाएं। एकादशी के दिन भगवान श्रीधर विष्णु कृष्ण मंदिर में दर्शन करने जाना भक्तों के बीच आम बात है। एकादशी की रात पूरी चेतना के साथ जागते रहें। संभव हो तो रात भर भगवान विष्णु श्रीधर के लिए संगीत बजाएं। अगर भक्त एकादशी की रात सो जाता है तो व्रत अधूरा माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत और पूजा महत्व। कामिका एकादशी व्रत का पालन करना, पवित्र नदी गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने, काशी वाराणसी जाने और यज्ञ करने के बराबर है। यह श्रीधर रूप में श्री विष्णु की पूजा करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। जब कामिका एकादशी का सावधानी पूर्वक पालन किया जाता है तो भक्त को शांति, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह पितृ दोष से राहत पाने और पूर्वजों की मदद करने में मदद करता है। यह पुण्य एकादशी पापों को नष्ट करती है और मोक्ष दिलाती है। श्रावण मास में कामिका एकादशी व्रत का पालन करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्त को कल्याणकारी लाभ मिलते हैं। कामिका एकादशी व्रत विधि उपवास प्रक्रिया। कामिका एकादशी के व्रत के लिए व्रत के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए भक्तों को व्रत विधि का पालन करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत एकादशी की सुबह से शुरू होता है और व्रत का संकल्प सुबह जल्दी स्नान करने के बाद लिया जाना चाहिए। सबसे अच्छा उपवास सूखा उपवास निर्जला व्रत है, जिसका अर्थ है बिना पानी और भोजन पिए उपवास करना। हालांकि भक्तों को अपने शरीर और स्वास्थ्य के बारे में पता होना चाहिए और उसी के अनुसार उपवास करना चाहिए। आमतौर पर भक्त कुछ भी खाने से परहेज करते हैं, लेकिन पानी पीते हैं। जो भक्त एकादशी के दिन एक समय भोजन करके व्रत रखते हैं, उनके लिए एकादशी के दिन फलिया और अनाज खाना वर्जित है। एकादशी और द्वादशी के दिन मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन आदि का सेवन सख्त वर्जित है। एकादशी व्रत के दौरान दिन या रात में सोना वर्जित है। भक्तों को भगवान विष्णु कृष्ण की स्तुति का जाप गान करना चाहिए। दिन और रात में भगवत गीता और अन्य पवित्र पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। गपशप करने, दूसरों या स्वयं के बारे में बुरा बोलने सोचने से एकादशी व्रत का वांछित परिणाम नहीं मिलता है। एकादशी और द्वादशी के दिन शराब, नशीले पदार्थ, तंबाकू, अन्य व्यसनों, यौन संबंधों से दूर रहना चाहिए। कामिका व्रत के सर्वोत्तम परिणाम के लिए शांति बनाए रखें, क्रोध आक्रामकता से बचें। द्वादशी के दिन प्रसाद को परिवार के सदस्यों और अधिक से अधिक लोगों में वितरित करें। जो भक्त व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी के अगले दिन दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। अगली सुबह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और उनसे अपने किए गए किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगे। ननट जरूरतमंदों को दान देने की भी सलाह दी जाती है, जिससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत खोलते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्र वाले प्रभु, अब मैं भोजन करूंगा, कृपया मुझे आश्रय दीजिए। प्रार्थना के बाद भक्त को भगवान विष्णु के चरण कमलों पर पुष्प और जल अर्पित करना चाहिए तथा भगवान से भोजन करने का अनुरोध करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए। नमः नारायणाय। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्त को भगवान को अर्पित किया गया जल पहन करना चाहिए। द्वादशी को केवल 1 बार भोजन करना चाहिए।
तथा शहद और उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए यदि किसी अपरिहार्य कारण से वे द्वादशी को प्राण समय के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं, तो व्रत तोड़ने के संकेत के रूप में पानी पीने की सलाह दी जाती है। बाद में सुविधानुसार भोजन किया जा सकता है। कामिका एकादशी व्रत उपवास के लाभ। कामिका एकादशी हिंदू परंपरा में बहुत महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने वालों को आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्रदान करती है। एक आध्यात्मिक शुद्धि है। ऐसा माना जाता है कि यह आत्मा को पिछले पापों से शुद्ध करता है तथा आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। दो, मोक्ष की प्राप्ति। यह अन्य एकादशियों की तरह यह भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। तीन, भगवान विष्णु से आशीर्वाद। भक्त उपवास और पूजा करके भगवान विष्णु से आशीर्वाद और कृपा चाहते हैं। चार, बाधाओं का निवारण है। इस व्रत को करने से बाधाएं दूर होती हैं। सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। पांच, प्रायश्चितः प्रेक्षक पिछले गलत कामों के लिए क्षमा मांगते हैं तथा आंतरिक शांति पाते हैं। छह, इच्छाओं की पूर्ति है। ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा रखते हुए इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। कुल मिलाकर कामिका एकादशी भक्तों को आत्मचिंतन, नवीनीकरण और दैवीय कृपा का अवसर प्रदान करती है। कामिका एकादशी पर वर्जित खाद्य पदार्थ। कामिका एकादशी व्रत के दौरान भक्त आमतौर पर अनाज, दाल, कुछ सब्जियां और कुछ खास मसाले खाने से परहेज करते हैं। यहां कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिन्हें आमतौर पर इस व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। एक, अनाज है गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा आदि से परहेज किया जाता है क्योंकि ये अनाज हैं। दो, दालें और फलियां, बीन्स, छोले, दालें, मटर आदि को उनके अनाज जैसे गुणों के कारण खाने से परहेज करना चाहिए। तीन, प्याज और लहसुन। ऐसा माना जाता है कि ये कामेच्छा बढ़ाने वाले होते हैं और इसलिए आमतौर पर एकादशी व्रत के दौरान इनका सेवन नहीं किया जाता है। चार, बैंगन। कुछ लोग बैंगन नहीं खाते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह तामसिक निष्क्रियता के गुण वाला होता है। पाँच, मशरूम। इसी प्रकार मशरूम को तामसिक माना जाता है और एकादशी व्रत के दौरान कुछ लोग इसे खाने से परहेज करते हैं। छह, हिंग। कुछ लोग हिंग से परहेज करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उपवास के दौरान मन की पवित्रता को भंग कर देती है। सात, मांसाहारी भोजन। व्रत के दौरान सभी प्रकार के मांस, मछली और अंडे से परहेज किया जाता है। आठ, शराब और उत्तेजक पदार्थ। एकादशी व्रत के दौरान शराब और कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थों का सेवन वर्जित है। नौ, किण्वित खाद्य पदार्थ। दही, पनीर और सिरका जैसे किण्वित खाद्य पदार्थों से अक्सर परहेज किया जाता है। दस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। पैकेज्ड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिनमें योजक, संरक्षक और कृत्रिम स्वाद होते हैं उनसे आमतौर पर परहेज किया जाता है क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता है। भक्त आमतौर पर फल, मेवे, दूध से बने उत्पाद, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू और व्यंजन बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार के आटे जैसे सिंघाड़े का आटा या सिंघाड़ा का आटा से युक्त एक साधारण आहार लेते हैं। हालांकि क्षेत्रीय रीति रिवाजों और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर आहार संबंधी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए अपनी परंपरा या आध्यात्मिक मान्यताओं द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। कामिका एकादशी व्रत कथा। उपवास की पारंपरिक कहानी कामिका व्रत कथा में बताया गया है कि एक बार एक धर्मप्रायण व्यक्ति रहता था जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था लेकिन उसमें बहुत क्रोध और आक्रामकता थी। एक दिन उस व्यक्ति का एक ब्राह्मण से विवाद हो गया और गुस्से में उसने ब्राह्मण को मार डाला। यह एक अपराध था और विशेष रूप से ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा पाप मान जाता है। वह अपने पापों को धोने के लिए कुछ तपस्या करना चाहता था। वह एक साधु संत से मिला और पूछा कि वह इस तरह के पाप से कैसे मुक्त हो सकता है। साधु ने उसे कामिका एकादशी व्रत का पालन करने, सभी नियमों का पालन करने और ईमानदारी से भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की सलाह दी। उस व्यक्ति ने कामिका एकादशी का सख्ती से पालन किया और स्पष्ट इरादे से श्रीधर विष्णु से प्रार्थना की और पाप से मुक्त हो गई। कामिका एकादशी पूजा और व्रत उपवास मंत्र
रह कामिका एकादशी पूजा विधि। पूजा प्रक्रिया है, कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें तथा अपनी इच्छा प्रकट करें। अपने पूजा मंदिर वेदी में घी का दीपक जलाएं, श्रीधर विष्णु का गंगाजल, गंगा नदी का पवित्र जल और तुलसी के पत्तों से अभिषेक करें। जिन भक्तों के घर में पवित्र शालिग्राम शिला है वे शालिग्राम का अभिषेक करेंगे। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे उन्हें बहुत इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और तुलसी की भी पूजा की जाती है। दिन रात निरंतर विष्णु मंत्रों का जाप करें, उनकी स्तुति गाएं। यह हवन अनुष्ठान और व्रत के लिए सबसे अच्छा समय है। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इनमें से कम एक व्रत अवश्य करना चाहिए। यह नारायण द्वारा शासित रुद्राक्ष की माला पहनने का सबसे अच्छा समय है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान द्वारा शासित मनका कृष्णा और 19 मुखी रुद्राक्ष श्री नारायण द्वारा शासित यह माला आपकी भक्ति भावना को जावान बनाने के लिए सर्वोत्तम है। कामिका एकादशी पूजा लाभ। कामिका एकादशी पर श्रीधर विष्णु की पूजा करने से भक्त और उसके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति, सुखी परिवार, संतोष, सांसारिक सुख, आनंद, सुरक्षा और प्रचुरता का आशीर्वाद मिलता है। कामिका एकादशी पर दान करना बहुत ही शुभ और सराहनीय माना जाता है। इस पवित्र दिन पर दान करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं: खाद्य वस्तुएं, चावल, गेहूं और अन्य अनाज, फल और सब्जियां, जरूरतमंदों और भूखों को भोजन, पकाया भोजन, दान, अन्नदान। बुक करने के लिए यहाँ क्लिक करें। कपड़े, गरीबों और वंचितों के लिए नए कपड़ों, गर्म कपड़े, कंबल और शॉल, विशेषकर ठंडे क्षेत्रों या सर्दियों के मौसम में वस्त्र दान। बुक करने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन और उपकार, मंदिरों, धर्मार्थ संगठनों या सीधे जरूरतमंद लोगों को वित्तीय दान, स्कूलों या शैक्षिक दान संस्थाओं को दान देकर वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करना। धार्मिक वस्तुएं, अध्यात्म एवं धार्मिक शास्त्रों पर पुस्तकें, पूजा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं जैसे धूपबत्ती, दिए, आश्रय और सहायता है बेघरों के लिए, आश्रय स्थलों या पशु आश्रय स्थलों को दान देना, स्कूलों, अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण में योगदान देना, गाय और पशु देखभाल गौशालाओं या पशु कल्याण संगठनों को दान देना, पशुओं के लिए भोजन, चारा और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। गौ दान। बुक करने के लिए यहां क्लिक करें। दान करते समय इसे शुद्ध हृदय और दूसरों की मदद करने और उनका उत्थान करने के इरादे से करना महत्वपूर्ण है। दान का यह निस्वार्थ कार्य न केवल प्राप्तकर्ताओं को लाभ पहुंचाता है बल्कि दानकर्ता को आध्यात्मिक गुण भी प्रदान करता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी पर इन प्रथाओं का पालन करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, पिछले पाप दूर होते हैं और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे उत्पाद मित्रों, चलिए जान लेते हैं कमी का एकादशी की दिन आपको कौन से उपाय जरूर कर लेना है जो आपको हजार गुना यानी कि करोड़ों गुना आपको लाभ की प्राप्ति करवा सकते हैं। ये उपाय हैं कल्याणकारी उपाय। एक परिवार के सदस्यों के बीच अगर कोई अनबन चल रही है तो पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। पूजा के बाद इस जल को परिवार के सब सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। उपाय दो, आर्थिक उन्नति के लिए तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और वो नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें, लाभ होगा। उपाय तीन, घर में धन की कमी हो रही है तो एक पीले कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, चांदी या साधारण 1 रुपए का सिक्का और पीले रंग की कौड़ी रखें। इस कपड़े की पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। डॉट धन में बढ़ोतरी होगी। उपाय चार, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ऐसा करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। उपाय पांच, अगर करियर में प्रगति चाहते हैं, प्रगति तो एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसे भगवान के चरणों में वो नमो भगवते नारायणाय कहते हुए अर्पित करें। इसके बाद पीले रंग की मिठाई या केले का भोग लगाएं। उपाय छह, कामिका एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ जरूर करें।
मान्यता है इसके पाठ से लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। उपाय सात, घर परिवार में सुख समृद्धि की कमी ना रहे, इसके लिए कामिका एकादशी के दिन कन्हैया जी को बांसुरी जरूर भेंट करें। उपाय आठ, जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें और भूखे लोगों को यथाशक्ति भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इससे जीवन में व्याप्त कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उपाय नौ, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में पीले रंग की ही चीजें अर्पित करें। डॉट मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कुंडली में अगर गुरु दोष हो तो वह भी दूर होता है। उपाय दस, पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, इसके लिए कामिका एकादशी के दिन गीता का पाठ जरूर करें, इससे पितर प्रसन्न होंगे। उपाय 11, अगर धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो पीले रंग के रेशमी कपड़े में सात हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे रख रख दें। डॉट कुछ दिनों में परिणाम नजर आने लगेंगे। उपाय 12, कर्ज से पाना चाहते हैं मुक्ति तो पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। डॉट परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। उपाय 13, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा करने के बाद इलायची पति पत्नी दोनों लोग इलायची को खा ले। मित्रों माँ की चलिए, अगर आप इन उपायों को कर देते हैं तो आपके जीवन से सभी परेशानियों का नाश हो जाएगा और स्वयं भगवान विष्णु का आपको खबर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें और अपनी हर एक माता बहन तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी को फ्री माध्यम से मिल सके, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है सभी मित्रों तक फ्री में जानकारी पहुँचना। दुर्लभ से दुर्लभ जानकारी सभी हमारी माता है बहाने होती हैं, उन्होंने तक फ्री में जानकारी पहुंचना। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी सभी भाइयों एवं बहनों तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, मिलती है नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय भगवान विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ। की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे। कॉमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखें।